चलें आज आपको एक नए सच से वाबस्ता करता हूँ। क्या होती है ये औरत, क्या हैसियत है इसकी हमारी जिंदगी में, क्यों हम इसको अपने पैर की जूती समझते हैं, क्यों हम इसे बुरा भला कहते हैं, आखिर क्यों हम इस पर जुल्म करते हैं। वो कहते हैं कि एक औरत शादी से पहले अपने खूबसूरत जिस्म के साथ निकाह के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के जरिए अपना खूबसूरत जिस्म हमारे हवाले कर देती है और शुरुआत में हम उससे बेहद मोहब्बत करते हैं और फिर वो अपनी कोख में हमारे बच्चे को 9 माह पालती है, दर्द सहती है और उसी से हमारी नस्ल परवान चढ़ती है, फिर उसकी कोख पर झुर्रियां पड़ती हैं, फिर उसका सडोल जिस्म अपनी खूबसूरती खो देता है और हम उसे नापसंद करने लगते हैं। आखिर क्यों एक इंसान हमसे जिंदगी शुरू करके और हम पर ही खत्म कर देता है, क्या उसका दिल नहीं होता, क्या वो इंसान नहीं होती, क्या हम उसे इंसान समझते नहीं है, क्या हम लोग थोड़े से भी लाड नहीं उठा सकते उनके छोटी छोटी खुशियों पर झूमने वालियों को हम तरसा कर रख देते हैं, मुस्कुराने पर भी उन्हें डांट देते हैं। मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि खुदारा कदर किया करें, अल्लाह की उन रहमतों की हमेशा कदर किया करें उनकी, वो चाहे किसी भी रूप में हो, माँ हो, बहन हो, बीवी हो या फिर बेटी, उनकी इज्जत किया करें, किसी दूसरे की समझ कर नहीं बल्कि अपनी समझ कर। आज के माशरे में बेटियां घर पर बोझ लगती हैं, यहां तक कि शौहर भी खुश नहीं होता अपनी बीवी से अगर उसकी बीवी 6 बेटियों को जन्म दे दे। हम ये नहीं समझते कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, और एक बात याद रखिएगा कि बेटियां अल्लाह उनको देता है जिनसे वो राजी होता है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे और हमें औरत साथ की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।